क्या हो अगर भविष्य में दुनिया ऐसी हो कि इंसानों को 30 साल से ज्यादा उम्र तक जीना अलाउ ही ना हो। कहानी की शुरुआत में हमें साल 2274 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ धरती की लगभग सारी जगह ही तबाह हो चुकी थी और जो लोग उस अटैक में बच गए थे वह एक कंप्यूटराइज सिटी में रह रहे होते हैं। वहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान को कंप्यूटर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। उन लोगों ने ना ही कभी सूरज देखा था और ना ही कभी वह उस सिटी से बाहर गए थे। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के उस सिटी में किसी भी इंसान को 30 साल से ज्यादा उम्र जीना अलाउड नहीं था। जिस इंसान की उम्र 30 साल से ज्यादा हो जाती थी उसे एक रिचुअल जिसका नाम क्राउजल था उसके थ्रू मार दिया जाता था और जो लोग इस सिस्टम को तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते थे उन्हें रनर्स कहा जाता था। उन्हें रनर्स को पकड़ने के लिए सैंडमैन नाम की पुलिस यूनिट को बनाया गया था। इंसान की एज का पता लगाने के लिए उनके बर्थ से ही हाथ पर एक क्रिस्टल को इम्प्लांट कर दिया जाता था और जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती तो उस क्रिस्टल का कलर भी चेंज हो जाता था और जब इंसान की उम्र पूरे 30 साल हो जाती थी तो वह क्रिस्टल ब्लिंक करने लगता था जिससे कि उस इंसान को क्राउजल के थ्रू मार दिया जाता। फिर हमें लोगन 5 नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो लैब में पैदा हुए बच्चों को देख रहा होता है। वहाँ पर रहने वाले लोगों ने कपड़े भी उनकी एज के हिसाब से पहने हुए थे। रेड कलर बड़े लोगों के लिए था और ग्रीन कलर मिडिल एज के लोगों के लिए और छोटे बच्चों ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे। नेक्स्ट सीन में क्राउजल के रिचुअल को दिखाया जाता है जिसे देखने के लिए वहाँ पर काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। वह लोग जिनकी मौत होने वाली थी वह लोग एक बड़े से फ्लावर के आसपास खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाते हैं जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं।